नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। अब रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों ने INDIA गठबंधन बनाए हैं, जो फिलहाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान ही टूटता हुआ नजर आया, जिसका मुख्य कारण इंडिया गठबंधन की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बीच की तकरार को समझा जा रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल संभल में हुए किसान कमेरा सम्मेलन में जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सपा को कांग्रेस की ओर से दरकिनार करने और उनके प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशी उतारने पर अपना पक्ष रखा है। इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश यादव की बयानबाजी को लेकर RLD चीफ समाजवादी पार्टी प्रमुख के लिए नरम पड़ते हुए भी नजर आए। आउटसोर्स से यूपी 112 मुख्यालय में तैनात सैकड़ों महिला कर्मचारियों ने अपना विरोध दर्ज करवाना भी अब शुरू कर दिया है। सोमवार की दोपहर से ही शुरू हुआ प्रदर्शन मंगलवार को सीएम आवास की ओर बढ़ गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी महिला कर्मचारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन तक भेज दिया। इको गार्डन पहुंची महिला कर्मचारियों ने पुलिस कर्मियों के साथ साथ यूपी 112 के मुख्यालय के अधिकारियों और प्राइवेट कंपनीज पर भी गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान सपा नेत्री पूजा यादव भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रही है। इस दौरान सपा नेत्री पूजा शुक्ला ने महिला कर्मचारियों की सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोन पर बातचीत भी कराई है। सुनिए हमारे संवाददाता महिला कर्मचारियों से क्या कुछ बातचीत करते हुए नजर आए। ये 112 में जो संविदा कर्मी थे, ये आज इको गार्डन में यहाँ एकत्रित हैं और आपस में वार्ता कर रही हैं। अभी इनके द्वारा किसी प्रकार का आपस में कोई सहमति नहीं बनाई गई, ना कोई इनका इस तरीके का कुछ बनाया गया है जिसमें कोई आगे आकर के प्रतिनिधिमंडल बात कर सके, और अभी तक ना ही कुछ ऐसा इन्होंने ज्ञापन बनाया है। अभी हम लोग देख रहे हैं, पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं। जैसे कोई प्रतिनिधि मंडल बनता है और कुछ ज्ञापन या किस तरह की डिमांड रखता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। डायल 112 की जो आउटसोर्स महिलाएं हैं वो लगातार सोमवार से अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। बात की जाए उनकी जो मांगों को लेकर के, चाहे सैलरी का इशू हो या फिर नौकरी से हटाने को लेकर के, क्योंकि पहले जिस तरह से महिंद्रा के पास इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब जब से नई कंपनी को टेक ओवर हुआ है तब से जो इन लोगों की मांग है वो लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है। सोमवार को डायल 112 के बाहर लगातार इन लोगों का प्रोटेस्ट जारी हुआ था। शाम तक की अधिकारियों से वार्ता हुई थी, लेकिन उस वार्ता के बाद भी किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकला, जिसको लेकर के देर रात तक इन लोगों का प्रदर्शन चलता रहा। सुबह जब प्रोटेस्ट जो है सीएम आवास की तरफ कूच किया, तब इन सभी को इको गार्डन भेज दिया गया। यहाँ इको गार्डन की अगर हम तस्वीरों की बात हम आप करेंगे तो आप साफ तौर से ये जो तस्वीरें देख रही हैं ये इको गार्डन की तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो युवतियाँ हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठी हुई हैं। बात की जाए जिस तरह से यहाँ पर लोगों से बातचीत की जा रही है तो समस्याएं कई हैं, लेकिन समाधान जीरो है। यहाँ पर अगर बैठी हैं, हम इनसे भी अगर बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे तो केवल ये जानने की कोशिश आपसे करेंगे कि आप लोग जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे रही हैं? सर, हमारी मांगे ये थी कि हमारी जो सैलरी थी वो हमें संविदा, पहली बात कहा जाता है, हम संविदा नहीं, हमें प्राइवेट बोला जाता है कि आप प्राइवेट बताओगे तो प्राइवेट हो, और हम संविदा नहीं और हमें संविदा बताया जा रहा है। पहली बात तो ये, हम संविदा नहीं हैं और हमारी सैलरी आती है, दुनिया की नज़रों में हमारी सैलरी 22,000 है, दिखाया जाता है, बोला जाता है। लड़कियों को हायरिंग करने से पहले किसी को नहीं बताना है, बाहर डिस्क्लोज कुछ नहीं करना है यहाँ के बारे में, और सैलरी रखी क्या गई है 11,000, 11.5, 10.5, 10.5 तो मिलता है, 11.5-12 तो लड़कियों का ये नाइट शिफ्ट अलाउंसेस लगा के मिलता है। लड़कियों को 12 घंटे काम कराया जाता है, इतनी कॉलें आती हैं कि वो वॉशरूम तक नहीं जा पाती हैं। अगर लंच ब्रेक हमने 2:05 में मांगा तो 3:05 पे ब्रेक, हम लोग 112 की सुविधाओं को इतने आसानी से कर रहे हैं, ब्रेक भी नहीं लेते हैं, और उसके बाद हमारी मदद नहीं की जा रही है। मार पीट के लाए गए, घसीट के लाए गए हमें लड़कियों को, शक्ल मत दिखाना। इन्होंने एक बहुत गंदे तरीके से बोला और अब्यूज भी किया, इन लोगों ने महिला कांस्टेबल ने अब्यूज किया। सर, इतनी सीनियर हो के ये लोग ऐसी बात बोली है,
तो फिर हम औरों से क्या उम्मीद रखेंगे। तरीके से यहाँ पर अगर बातचीत की जाए, क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट जारी हुआ तो इन सभी मामलों को लेकर के राजनीतिक मोड़ भी सामने आया, क्योंकि जो अखिलेश यादव की बात की जाए, उन्होंने सोशल मीडिया और एक्स पर ट्वीट करते हुए सीधा सरकार पर निशाना भी साधा। और इसके बाद यहाँ पर सुबह जो सपा नेत्री की बात की जाए, पूजा शुक्ला भी यहाँ पर पहुँची हैं, तो अखिलेश यादव से भी साफ तौर से बातचीत भी फ़ोन पर कराई गई है। क्या कुछ वार्ता हुई है उस मामले को लेकर के भी अगर हम बातचीत करेंगे तो साफ तौर से जानेंगे। ये बताइए पूजा जी, आप यहाँ पर पहुँची हैं, सभी से बातचीत कर रही हैं, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं, अभी तक क्या कुछ वार्ता हो पाई है अखिलेश जी से जो आपने बात कराई है, तो अखिलेश जी ने क्या कुछ आश्वासन दिया है, क्या बातें कही हैं? देखिए, इनकी बात हुई थी हमारे साथ, यहाँ पर जितनी बेटियाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं सबके साथ ये हमारी पूजा से लगातार बात हो रही थी, इनसे बात हुई है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको कहा है कि हम बात करेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि आपकी मांगों को माना जाए। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का डायल 100 ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और जिस तरह से बेहतर पुलिसिंग के लिए ये बेटियाँ पिछले 7 वर्षों से काम कर रही हैं, तो आप ये सोचिए कि इनको कब तक संविदा पे रखेंगे, क्यों नहीं इनको परमानेंट किया जा रहा है, किया गया है। सवाल यहाँ पर ये है कि कब इनको पैसे इनके बढ़ा करके दिए जाएंगे, कब इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, कब इनको वीक ऑफ दिया जाएगा। ये भी इंसान है, ये भी चाहती है कि हफ्ते में एक दिन इन्हें भी छुट्टी दी जाए, तो निश्चित तौर पर सरकार को इनके लिए सोचना चाहिए। और आज इनके साथ हम इसीलिए खड़े हैं क्योंकि इनकी मांग जायज है, पूरी समाजवादी पार्टी इनका समर्थन कर रही है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो इन बेटियों की मांग को सुने और इनके एक बड़े डेलीगेशन से मिले ताकि ये अपनी बात उन तक रख सके। यहाँ पे पूजा जी भी हैं जिनकी अखिलेश यादव से बातचीत भी हुई है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए पूजा जी, आपकी अखिलेश जी से बात हुई है, बात में क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, क्या कुछ बातें रखी गई हैं? हाँ, सर ने बोला कि आप अपनी जो भी मांगे हमें भेजिए, फिर हम उसे बिल्कुल देखेंगे और आपकी मांगे पूरी करेंगे। क्या इस आवाज़ को उठाने के लिए कहा गया है कि सरकार तक पहुँचाई जाएंगी जिससे आप लोगों की मांगे पूरी हो सकें? हाँ बिल्कुल सर। आप लोगों ने अभी तक कोई, आप लोगों से कोई अधिकारी अभी तक आकर के कोई मिला है, आप लोगों से वार्ता की है? हाँ किया, लेकिन उन्होंने हमारी मांगे नहीं पूरी की, अपनी जो मांगे हम पे थोपी हैं उन्होंने। उसके बाद क्या आप लोग आवाज़ उठाते हुए सरकार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, या फिर सरकार तक इन लोगों की आवाज़ कैसे पहुंचाएंगे? निश्चित तौर पर जो भी काम है उसका क्रियान्वयन तो सरकार को ही करना है। इनकी जो जॉब सैलरी बढ़ेगी, हम इनकी मांग को रख सकते हैं, इनके साथ इनका कंधे से कंधा मिलाकर के इनका संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को ही करना है। हमारी मांग यही है कि ये कोई पॉलिटिकल महिलाएं नहीं हैं, ये कोई पॉलिटिकल दल से जुड़ी हुई महिलाएं नहीं हैं, ये तो आम परिवार की बेटियां हैं, कैसे कैसे अपने घरों को चला रही होंगी। इसमें कई ऐसी बेटियां होंगी जो अपने घरों को चलाती होंगी। 10,000 रुपये, 11,000 रुपये, इतनी महंगाई के दौर में जहां पर डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, दालों के दाम बढ़ रहे हैं, ये कैसे उसमें गुजारा करेंगी? का समय होता है चुनाव का, तो बड़े बड़े वादे और रोजगार के दावे किए जाते हैं, लेकिन आज बात यह है कि इनको नौकरी से निकालने तक की कवायद चल रही है। इन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपको नौकरी से निकाल देंगे। इनकी जगह अभी विविन कंपनी है, उसने नए ऑफर लेटर अपना इंटरव्यू शुरू कर दिया है, और इस तरह से जो 7 साल से लड़कियां काम कर रही हैं, इनका एक्सपीरियंस है, इनके पास अनुभव है, ये काम करती आई हैं, और निश्चित तौर पर बेहतर पुलिसिंग के लिए जो कार्य ये कर सकती थी इन्होंने 7 साल पूरी निष्ठा से किया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार से ये मिलना चाहती थी, इनका डेलीगेशन मिलना चाहता था, क्यों नहीं आखिर मिलने दिया गया सरकार से? ये कहते हैं कि तुम सबों को निकाल देंगे, तुमको बर्फ की सिल्ली में लटा के मारेंगे, इस तरह की बातें करी जाएंगी महिलाओं से। तो जिस तरीके से यहाँ पर लगातार ये लोग आवाज उठा रही हैं, साफ तौर से कह सकते हैं डायल 112 पर जो सूचनाएं आती हैं उन सूचनाओं को इनके द्वारा पास किया जाता है, जिसके बाद जो पुलिस है वो उन तक पहुंचती है। लेकिन अब बात की जाए, कल से जिस तरह से इन लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है, तो 75 जिलों की जो पुलिस है या जो पीआरवियां लगातार सड़कों पर दौड़ती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं, उनकी सुविधाओं में भी कहीं ना कहीं जो एक बात की जाए परेशानियों का सामना देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से जो आउटसोर्स महिलाएँ हैं वो लगातार जो अपना विरोध कर रही हैं, क्या इनकी मांगें पूरी होंगी, या फिर जो इन लोगों का विरोध है वो आगे एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। अलीगढ़ का नाम अब बदल जाएगा। इस जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम में भी पारित हो गया है। अलीगढ़ अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। नए नाम के प्रस्ताव पर अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड ने भी मुहर लगा दी है। नगर निगम की बैठक में जिले का नाम अलीगढ़ से बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सभी सभासदों ने स्वागत और समर्थन किया।
और इन सबकी सहमति से इस प्रस्ताव पर नगर निगम ने अपनी मोहर लगा दी। अब इसे उत्तर प्रदेश शासन को भेजा जाएगा, जहां से अनुमति मिलने पर जिले का नाम बदला जाएगा। बता दें कि इससे पूर्व भी कई जिलों के नामों में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं और अब अटकलें हैं कि अलीगढ़ का नाम भी बदला जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। यानी कि अब अलीगढ़ हरिगढ़ के नाम से जाना जा सकता है। हरदोई में सूबे की सरकार भले ही सरकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जद्दोजहद में लगी रहे, लेकिन प्रदेश से ऐसा कोई ना कोई घटनाक्रम सामने अक्सर आ जाता है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो जाती है। दरअसल हरदोई के पिहानी ब्लॉक में बने प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल में दिए जाने वाले मिड डे मील में कीड़े निकले, वही साथ ही खाने में बच्चों को कच्चा चावल तक परोसा गया। स्कूल प्रशासन की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत का ये जो वीडियो है किसी ने बनाया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया है, और अब ये वीडियो सामने आए हैं, जिसके बाद से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। मिड डे मील के नाम पर आखिर स्कूली बच्चों को जहर जो परोसा जा रहा है, अगर बच्चों की हालत बिगड़ती है, बच्चों की तबीयत खराब होती है, तो इसके पीछे का जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि ये देखिए मिड डे मील के खाने की तस्वीरें भी हैं और तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस पौष्टिक आहार के नाम पर बच्चों को यह मिड डे मील का खाना परोसा जा रहा है, उसमें कितना ही पौष्टिक इन बच्चों को मिलता होगा। हरदोई से एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। ये मामला विकासखंड माधवगंज के गांव सही चना का है, जहां एक लड़की के शरीर पर भगवान के नाम और चित्र उभर आते हैं। दरअसल सहीजना निवासी देवेंद्र की 8 साल की बेटी एक साक्षी है, जो अभी कक्षा 1 की छात्रा है। देवेंद्र बताते हैं कि पिछले 20 दिनों से उनकी बच्ची के शरीर पर कभी राधे राधे तो कभी राम राम तो कभी भगवान की तस्वीरों के साथ कई अंक उभर आते हैं। वहीं ये वाक्या जो भी सुनता है हैरत में पड़ जाता है और इस वाक्य को सुनकर चिकित्सक भी हैरान है। खबर कानपुर से है, जहां नवीन मार्केट में बधाइयों के नाम से स्टार्टअप शुरू किया गया था और आज एक छोटे से स्टार्टअप को अपना पेशा बना दिया गया है। आज पूरे कानपुर में ननंद भाभी की चर्चा होती है। यहां पर पूजा से लेकर शादी तक के सभी साज सज्जा का सामान मिलता है। दरअसल बधाइया के ओनर मनीषा दुबे और अंजू शुक्ला ने बताया कि जब उन्होंने ये स्टार्टअप शुरू किया था तो उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम दोनों ननंद भाभी ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया। 1.5 साल पहले यहाँ से शुरू किया था। वैसे तो मेरी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी, पर 1.5 साल पहले मैंने नवीन मार्केट में शुरू किया। मैंने शुरुआत तो बहुत छोटे से की थी, पर अब इसका आकार जो है वो बड़ा होता चला जा रहा है और कानपुर और कानपुर के बाहर के लोग भी आके मुझसे मूर्तियाँ और यहाँ का जो दिवाली का सामान है, जो हस्त निर्मित है, जो हम लोग सब मैं और मेरी टीम बनाती है, उसको खरीद के बहुत खुशी अनुभव करते हैं। और मेरे पुराने जितने पिछले साल के जो भी ग्राहक थे वो सारे फिर से आ रहे हैं, बहुत संतुष्ट होके आ रहे हैं और दोबारा वो मुझसे सामान ले रहे हैं। बचपन से ही रुचि थी मेरी, लेकिन मौका नहीं मिल पाया मुझे, कुछ घरेलू दिक्कतें, कुछ परेशानियां। फिर लेकिन मेरी भाभी ने जब शुरू किया तो मुझे ऑफर किया, तो मैंने सोचा कि मुझे बहुत अच्छा ये मौका है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, और हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया मेरा, तो इस तरह से मैं इनके साथ जोड़ के अब आगे तक ले जाने की हम लोगों की प्लानिंग है। समाज में LGBTQ और ट्रांसजेंडर जैसे अन्य लोगों को अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना अभी भी करना पड़ता है। इन समस्याओं से निजात और इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए कानपुर क्वीन प्राइड फाउंडेशन एक मुहिम चला रहा है, जिसमें समाज में जो सुविधाएं हर वर्ग के लोगों को मिल रही है, वैसी ही सभी सुविधाएं इन वर्ग के लोगों को भी मिल सके, जिसको लेकर क्वीन प्राइड फाउंडेशन के संस्थापक अनुज पांडे ने कानपुर में एक प्रेस वार्ता की है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन और प्रशासन ऐसे समाज के लोगों को उनका हक दिलाने की मांग की गई है। ट्रांसजेंडर्स के संबंधित में कुछ तो ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है, नए स्टूडेंट्स है, वो पढ़ सके और वो उनके मन में कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन ना रहे कि आगे चल के
मोटा जेंडर के प्रति भेदभाव करे, तो इसके लिए सिलेबस में इंक्लूजन चाहिए एजुकेशन का। सेकंड वन, उनका अगर जॉब है, अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन अगर पढ़ा है तो उसके लिए जॉब का एनरोलमेंट प्रोसेस उसका वो स्ट्रेंथन होना चाहिए। और प्लस थर्ड वन, शेल्टर का, जो ट्रांसजेंडर पर्सन जो घर से बाहर निकाले जाते हैं उनको शेल्टर अवेयर नहीं होता है, उनको एजुकेशन राइट्स नहीं है, तो उनके लिए एजुकेशन राइट्स स्कॉलरशिप कॉलेज की तरफ से मिलना चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटी में इंक्लूजन होना चाहिए ताकि सब वो अपने रूल्स रेगुलेशन बाकी के कॉलेज में वो थ्रू आउट स्प्रेड आउट कर सकते हैं। खबर उन्नाव से है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर आबकारी विभाग भी अब हरकत में आ गया है। लगातार जिले में अभियान चलाकर अवैध शराब बरामद कर कार्रवाई की जा रही है और मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की है। अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव ताल नगर में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि फायरिंग भी हो गई, जिसमें 3 लोग गोली लगने से घायल हो गए। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज लगातार जारी है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। एक ही परिवार के कुछ सगे संबंधियों के बीच में मामूली बात को लेकर के बाद विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्ष आक्रामक हो गए। एक पक्ष के 2 व्यक्तियों को छर्रे लगने से आंशिक चोटें आई हैं, जिनको चिकित्सीय उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मजरूह पक्ष से तहरीर प्राप्त कर थाना गोंडा में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आक्रामक पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई कर सकते बहराइच आसाम रोड पर स्थित एक राइस मिल में आग लग गई है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया है। हालांकि नुकसान कितना हुआ है अभी फिलहाल इसका कोई पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि दरगाह थाना क्षेत्र के आसाम रोड पर आरोहुल राइस मिल का संचालन होता है। राइस मिल में दोपहर में 3 बजे के आसपास मशीन से धान की कुटाई चल रही थी, तभी मशीन के पट्टे में लगी रबड़ से आग लग गई थी। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया है। वही पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए 1,700 रुपए, 2 तमंचे और 2 जिंदा के साथ ही 1 खोखा कारतूस और बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि गाड़ी का टायर बदल रहे 3 युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें 1 युवक की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इलाज चल रहा है। वही घटना की जानकारी होने पर शोकाकुल परिवार से स्थानीय विधायक मोहन वर्मा और SDM हीरा लाल मिलने पहुंचे और गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही शोकाकुल परिवार को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। खबर रायबरेली से है, जहां लोडा की टक्कर से महिला समेत 1 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि दोनों प्लाई की फैक्ट्री में काम करते थे और रोज की तरह काम पर जा रहे थे, तभी ये घटना हुई। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।